आईसीसी की एनुअल जनरल मीटिंग में कई सारी कुछ बड़ी अपडेट जरूर आई है। अभी तक की बात करें तो अभी तक कहीं ना कहीं 8-10 अपडेट्स आ चुकी है, जिसके बारे में आपको हम अपडेट दे दें कि आखिर क्या क्या इस एजीएम से निकलकर अभी तक आया है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए और एशियन क्रिकेट के लिए भी क्या कुछ निकल कर आया है, वही आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब तक जो भी न्यूज आई है वो आप तक प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले न्यूज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो न्यूज क्या निकल कर आ रही है? बिल्कुल, अगर बात करें तो जी हाँ, इस वक्त देखें तो वुमेन्स के जो कप्स हैं, जी हाँ बिल्कुल, वुमेन्स के जो आने वाले आईसीसी कप्स हैं, ट्रॉफीज हैं, उनको लेकर यहाँ पर वेन्यू डिसाइड हो गए हैं, होस्ट नेशंस डिसाइड हो गए हैं। 2024 T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप बांग्लादेश में होगा, वहीं पर 2025 ODI वर्ल्ड कप, जी हाँ वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप, वो इंडिया होस्ट करता हुआ नजर आएगा। वहीं पर 2026 वुमेन्स T20I वर्ल्ड कप इंग्लैंड होस्ट करता हुआ नजर आएगा। वहीं पर बात करें 2026 में ही, जी हाँ, इनॉग्रल चैंपियंस ट्रॉफी, वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी पहली बार खेली जाएगी, जो कि T20 फॉर्मेट में होगी, जी हाँ, और ये इसे श्रीलंका होस्ट करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अगर आप दूसरी न्यूज़ की तरफ बड़े अपडेट की तरफ बढ़े तो वो है, जी हाँ, रशियन क्रिकेट से रिलेटेड। आईसीसी ने रशियन क्रिकेट को यहाँ पर आप कह सकते हैं टर्मिनेट कर दिया, जी हाँ रशियन क्रिकेट को टर्मिनेट कर दिया गया, जो ऑलरेडी 2019 से कहीं ना कहीं विवादों में थी और कहीं ना कहीं अब जाकर उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है। तो और उसी के साथ साथ, जी हाँ, 3 नई एसोसिएट मेंबर्स का वेलकम किया गया है। 3 और ऐसी टीमें हैं जिनको आईसीसी ने अप्रूव दे दिया गया है कि अब वो भी आईसीसी मेंबर हो जाते हैं, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और आइवोरी कोस्ट, या फिर आप कह सकते हैं कोट डिआइवोर, जी हाँ इन तीनों को, जैसे कि अगर आपको अपडेट दिया, अब ये भी एसोसिएट मेंबर हो गए और कुल मिलाकर 108 एसोसिएट मेंबर्स अब तक हो चुके, माफ कीजिएगा, 108 आईसीसी के मेंबर्स हो चुके हैं और एसोसिएट मिलाकर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट में अब 108 टीम्स जो है, जिसमें 96 एसोसिएट्स में है। तो खैर, ये एक अपडेट एसोसिएट से रिलेटेड आ गई है। उसके बाद एंड अगली अपडेट की क्या बात? बिल्कुल, अगली अपडेट की बात करें तो आईसीसी के जो, जी हाँ, चेयरमैन के लिए इलेक्शन है वो 22 नवंबर को होंगे। जी हाँ, उस दिन चेयरमैन टर्म है वो नवंबर को ख़त्म होगा, लेकिन 30 नवंबर को ख़त्म होगा, पर उससे पहले पहले 8 दिन पहले ही चेयरमैन के लिए वोट डाले जाएंगे और इलेक्ट किया जाएगा। अभी जो प्रेजेंट जो चेयरमैन है मिस्टर ग्रेग बार्कले, जी हाँ इस वक्त वो चेयरमैन है, लेकिन उसके बाद जो टेन्योर होगा 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक का, 2 साल तक का लंबा वक्त अगले चेयरमैन के लिए रखा गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर अगले अपडेट की बात करें तो वो है WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से। जी हाँ, 2023 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और 2025 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल दोनों ही लॉर्ड्स में होने हैं। जी हाँ, दोनों ही फाइनल्स के लिए लॉर्ड्स को एज अ होस्ट चुना गया है, अनाउंस किया गया है आईसीसी की तरफ से। बिल्कुल, अगर बात करें एक और आईसीसी की FTP की, वो भी थोड़ा देखा जाए तो उस पर काम बात हो गई है और सब अनाउंस बस कुछ दिनों में होने वाला है। जी हाँ, इसके स्क्वाड्रन क्या होंगे वो अपकमिंग डेज में आईसीसी खुद अपने वेबसाइट्स पर और अपने हर जगह पर स्क्वाड्रन शो कर देगा। बिल्कुल, और क्या कुछ निकल कर आया है एजीएम से, फिर अभी हमें और वेट करना होगा। बिल्कुल, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेकिन उसके बाद देखना होगा क्या क्या आता है, बट लास्टली यहाँ पर मैं बात करूँ डैनियल विटोरी, जी हाँ डैनियल विटोरी एंड विवेक लक्ष्मण, उनको आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी में शामिल किया गया है एज अ रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल, एज अ रिप्रेजेंटेटिव इस तौर पर उनको शामिल किया गया है। अब देखना है कि वो कैसे काम करते हैं और कैसे इस प्लेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मेजर अपडेट्स जो जिस चीज़ की अभी तक उम्मीद थी वो अभी तक निकल कर नहीं आई है। दो बड़ी न्यूज़ की अगर मैं इन सारे न्यूज़ों में बात करूं तो वो दो बड़ी न्यूज़ कहीं ना कहीं यही नज़र आती है कि जो वुमेन्स वर्ल्ड कप को लेकर जो आने वाले होस्टिंग वेन्यूज है वो डिसाइड हुए हैं। एक बार अच्छी बड़ी न्यूज़ आई है वुमेन्स क्रिकेट को देखते हुए। दूसरी तरफ एसोसिएट में 3 और एसोसिएट मेंबर्स को यहाँ पर अप्रूवल मिल गया है आईसीसी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये दो बड़ी अपडेट्स यहाँ पर फिलहाल नजर आती है। देखना होगा और एजीएम से क्या कुछ निकल कर आता है, कुछ और अपडेट्स निकल कर आती है। जैसे ही अपडेट आएगी आप तक जरूर डेली क्रिकेट लगातार पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। और इससे फास्ट, इससे पहले हमने यहां पर ट्विटर और फेसबुक में भी आपको अपडेट दी थी, आप जरूर जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल इस, जी हां, बिल्कुल एक छोटी सी चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि जाते जाते हमें इंतजार है कि FTP में आखिर आईसीसी ने क्या किया होगा वो देखना। बिल्कुल, देखने वाली बात होगी और FTP जैसे ही अनाउंस होती है उसके लिए उसको लेकर भी आपके सामने डिस्कशन के साथ वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए बदरी डेली क्रिकेट चैनल के साथ।